आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लूंगा। इस मॉक टेस्ट में कुल 40 क्वेश्चन का समावेश किया गया है, तो इन 40 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आपके ऑप्शन है द्रवण, बाष्पीकरण, उर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण। अगला है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्वत विकिरण, बी है वर्ण विक्षेपित विकिरण, सी है प्रकीर्ण विकिरण, डी है उद्दीपित विकिरण। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपित विकिरण। अगला है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है सैद्धांतिक भौतिक, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? आपके ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की। अगला है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? आपके ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का सबसे भौतिक भाग है महत्वपूर्ण सीपीयू। अगला है, पर्ण रहित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो फंग ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला है, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1935, 1921, 1947, 1951। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को कहा जाता है। अगला है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा राजाराम, सी रंगारंग, विजय केलकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर। अगला कि संतान अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आवर्त है। आपके ऑप्शन है जब माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, बी है जब माता पिता सरकारी या गैर सरकारी सेवा में हो, सी है जब माता पिता स्वस्थ हो या अपने आय के स्रोत रखते हो, और डी है जब माता पिता के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त संपत्ति हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जब माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है 1971, 1975, 1979, 1981। तो राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला है, फीफा विश्व कप 2000 किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला है, भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पांचवा, सातवां, दसवां या छठवां। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भवादी संबंध संघीय बजट से है? आपके ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या रथगन प्रस्ताव। तो राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। अगला है, उत्तराचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? आपके ऑप्शन है 401, 202, 403, 404। तो कितने बचे हैं? 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, निर्यात कर या सीमा कर? तो किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर। अगला है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? मिस्र, भारत, यूएसए, चीन। तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, यूएसए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? आपके ऑप्शन है बोधगया,
कुशीनगर, लुबनी या ऋषिपतन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। अगला है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आपके ऑप्शन है टीटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। 20वां क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? आपके ऑप्शन है कुलोत्तुंग वन, राजेंद्र वन, अधिराजेंद्र, राजा धीराज फर्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुलोत्तुंग फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मंसूर शाह। इल्तुतमिस। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? आपके ऑप्शन है चंद्रप्रभु सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदत्त, यशोभद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आपके ऑप्शन है 12 और 16, 14 और 18, 15 से 21, 16 और 22। तो कितनी की गई थी? 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर NTPC स्टेशन में बॉयलर फटने पर हादसा हुआ? आपके ऑप्शन है सोनभद्र, ऊंचाहार, शक्ति नगर, अंबेडकर नगर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊंचाहार। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, आपके ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपके ऑप्शन है संविधान सभा, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो किसने बनाया था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राइट आंसर हो जाएगा B.R. अंबेडकर। अगला है, भारत का संविधान कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लाया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो कहां से लाया गया है? रूस के संविधान से। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, अवध। तो क्या नाम है? संयुक्त प्रांत। अगला है, उत्तर प्रदेश को वर्तमान नाम कब दिया गया? 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1956, 2 दिसंबर 2000, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों कब दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था? आपके ऑप्शन है 6 नवंबर 1957, 10 नवंबर 1958, 5 नवंबर 1960, 1 नवंबर 1956। तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 8 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2002, 11 नवंबर 2003। तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। अगला कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। तो कौन सी है? लखनऊ। अगला है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, नजीम जैदी, G.S. खेहर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओपी रावत। अगला है, अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? छठा, पांचवा, आठवां या नौवां? तो कौन सा स्थान है? आठवां। अगला कि यूनेस्को से अलग होने की घोषणा किन दो देशों ने की है? आपके ऑप्शन है अमेरिकी, इसराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी, इसराइल। अगला, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ, अहमदाबाद, रांची या कर्नाटक? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? अहमदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद।
अगला है, कोई व्यक्ति संतान अपने माता पिता से भरण पोषण की हकदार है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जब वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो।